मर्डर ओ दैया रे दैया हम का मर्डर रे। माई तुम्हारा घाव तो बहुत गहरा है, यह तरह तो नहीं ठीक हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए दवाई मरहम लेकर आते हैं। हाँ हाँ बुच्चिया जा तो जा। देख लिया छोटे ठाकुर, देखिए आपके साथ वफादारी का अंजाम देखिए। वफादारी के लिए मरने वाले को शहीद कहते हैं गंगिया, और शहादत देने वाला अपनी मौत के लिए रोता नहीं है। तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे काम से। लेकिन छोटे ठाकुर, बड़े ठाकुर का तो काम खराब हो गया ना। अरे नहीं, चिरैया को रखने के लिए बोले थे, सत्यानाश तो भाग गई और हमारा सत्यानाश करके। बड़ा मालिक का काम खराब होना ही तुम्हारे होने वाले मालिक का योजना थी गंगिया, और वो तुम बहुत अच्छे से किए। खुद को घायल करके खुद को घायल करके कैसे वो चिरैया को भगाई तू, का योजना बनाई तू। हाँ अच्छा है, अच्छा है, भगवान भी तोहरे ऊपर शक नहीं कर सकते। अच्छा तो सत्यानाश ये सोच रहा है कि हम ही चिरैया को भगाए। छोटे ठाकुर, अब हमने बात दिए थे कि हम उस चिरैया को भगाएंगे, तो बात तो हमें पूरी करनी थी ना। छोटे ठाकुर, सौगन मैया की हमने अपनी पूरी जान लगा दी, परवाह नहीं की हमने। वैसे चिरैया भाग गई होगी ना, वापस ही हवेली में नहीं ना आ जाएगी पकड़ी जाके। अरे कौन पकड़ेगा उसे, कितनी दूर चली गई होगी अभी तक। हमको मजा तो तब आता जब वो चिरैया का बोटी बोटी करके सब फेंक दिए होते। तुम्हारी पिछली बार वाला योजना बहुत सही था, अगर वैसा हो ही गया होता तो वो चिरैया का सपना भी हवेली में आ नहीं सकता था। छोटे ठाकुर, एक ले दम पे हम का करते। अब बस ये बात का ध्यान रखना कि बाऊजी को ये सब के बारे में पता ना चले, वरना खामखा का हंगामा खड़ा कर। अरे बात की चिंता काहे करते हो छोटे ठाकुर, ये बखत है बड़े ठाकुर का खासम खास बनना। बड़े ठाकुर को कहा चाहिए बारिश ना, तो आप दीजिए ना बारिश, चाहे कैसे भी, चाहे किसी से भी, आप किसी से कम थोड़े हैं। क्या गंगिया तुमने बकर बकर सबकी क्या जरूरत है। अरे रखा 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 हमको भी जाना है।
कल रिखवा का रोका, ललिया की माई, रसम के लिए पैसा चाहिए ना। हाँ ललिया के पापा, आप अपना ही बाप का पोटली को खोलने का समय आ गया है और हम कर ही खा सकते। झेलने के बाद रुपयों का सुख बढ़ जाता है। उसको बुलाए लो जो सौदा किए। का नाम उसका? बल्लू मालिक। बल्ली। हाँ बल्ली, सौदा किया है, पैसा लिया है, सौदा भाग गया, ऊ लेके आए। देखते हैं कितना आसमान लांघती है। बोल देंगे उसको छोटा पकड़ के घसीट के लाइए। लेकिन बाबूजी उका अब दोबारा यहां लाने की जरूरत क्या है? अरे हमरे वंश का बीज अपना पेट में लेके भागी है वो, और तू कह रहा है का जरूरत है? इतनी मुश्किल से तो आप माने थे। अरे हमरे पूरे तपस्या का फल लेके भागी, तू कह रहा है का जरूरत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू कुछ किया ही नहीं? बबुआ सच बोल,
हमसे झूठ बोला तू? शेखर, हमरा खून खौल रहा है, हम कुछ गदर हो जाएगा। हम जब कुछ पूछते हैं तो मुंह से जवाब निकलना चाहिए, नहीं तो हमरे पास ये मुंह से जवाब निकालने का दूसरा रास्ता तुम्हारे पास आखिरी मौका है बबुआ, सच बता, नहीं दी बंदूक पे हमारी उंगली ट्रिगर दबाने में कांपेगी नहीं। वो बेटे को मार डालेंगे हम, जो हमारा बेटा कहलाने के लायक नहीं, जो बेटा कहलाने का हक नहीं रखता। आखिरी मौका, सच बोलते हैं। सब तो किया है जो आपने कहा है, तो फिर काहे लिए सजा दे रहे हैं इसको? जब शेखर ने एक बार हाँ कह ही दिया तो तब क्या होगा? सक करने का क्या मतलब है? ये सब बात रोज रोज पूछी जाती है का? कि जीभ बंद कर लपलपाने की जरूरत नहीं है, उसके पास गज भर लंबी जबान है जवाब देने खातिर। देखिए आप खुद ही जानते हैं ना, वो औरत सबसे औरत को इज्जत करता है, इतने सारे लोग के सामने कैसे बोल सकेगा? अब देखिए ना, बीवी खड़ी है, सब सुन रही है। इस सब आप जैसे चाह रहे हैं वैसे कैसे बोल पाएगा? आप भरोसा करिए, झूठ नहीं बोला मेरा बेटा, झूठ नहीं बोला, आप निश्चिंत रहिए। अच्छी बात है, ऐसा नहीं करता तो इशारा कर देता, हम समझ लेते, इतने बड़े बुड़बक नहीं है हम। मुंडी हिलाने के लिए कहा था, तोड़ने के लिए नहीं। हरिओम, thank you.
ए गणेशिया, जा अपनी मेहरारू के साथ पीछे सीट पे बैठ जाइए। देखेंगे हम उनको। उसका चेहरा हमारे दिमाग में अभी तक बसा हुआ है। क्या लगता है ऊपर है भी हमरा। कोई ना, तो वहां की रहने वाली है तो इस समय वहीं जाने वाली होगी। दुरुस्त फरमाया सरकार, और कहां जाएगी? कोयना के अलावा उसका कौनो दूसरा ठौर ठिकाना नहीं है हुजूर। तो जा उसको पकड़ के ला। अब उसको इधर लाना तेरी जिम्मेवारी। आप चिंता बिल्कुल ना करें सरकार, लड़की आपके सामने आएगी। एक मछली का है सरकार, कहिए तो पूरा तालाब ले आए के आपके सामने रखते हैं। हमका पूरा तालाब नहीं, एक मछली चाहिए। वो हमरी मछली जो हमरे खानदान का बारिश अपने पेट में लेके भागी। तो ई बोलिए ना सरकार, एक बार कौनो राजा की अंगूठी एक मछली पी गई थी शकुंतला के हाथ से, फिर ये तो आपका बारिश ही निगल गई। चिंता की कौनो बात नहीं बाबू साहब, लड़की आ जाएगी। अरे बीज लिया है तो फल तो देना ही पड़ेगा बाबू साहब। अपने माथा से चिंता और फिक्र पोंछ डालिए बाबू साहब। अब हम आए गए हैं तो वो आई जाएगी। जय शंकर। अगर हमको वो चिरैया नहीं मिली तो हम तोका नहीं छोड़ेंगे बबुआ। बहन जी निकालिए। अब इतना देरी करोगी तो सारा का सारा पैसेंजर उतरकर चला जाएगा, जल्दी करो। भैया हमारे पास यही है, इसी में अपना भाड़ा पटा लीजिए ना। हमका कौन कबाड़िया नजर आ रहे हैं,
देखो फालतू का टाइम हमारे पास नहीं है, जल्दी करो नकदी निकालो। भैया बहुत परेशानी में है हम, नकदी पैसा भी नहीं है, यही रख लीजिए ना। जब नकदी नहीं है तो मोटर गाड़ी में जाने का शौक काहे पाल ली? ये बस का तूने बाप की है? चलो नीचे उतरो जल्दी। हे भैया इधर उतार दीजिएगा तो हम रात में कहाँ जाएंगे? ऐसे मत कीजिए, ये रख ना लीजिए, आपके भाड़ा के बराबर होगा। अब हमको हिसाब किताब मत समझाओ तुम, समझी? अब ये निकाल के बाहर कर देंगे, बस रोक रहे। अरे काहे को कबाड़ पे काम करने लगे, ये काल तमाशा है। अरे भैया सोने दो यार, बहुत दूर जाना है। अरे भैया तुम लोगों को अपनी नींद की पड़ी है और कब से हमारा दिमाग खा रही है, चल नीचे उतर। अरे भैया हमारा भी परेशानी समझिए ना। और क्या परेशानी, तो हम नहीं लिए। रुको का किराया हम देंगे। कहाँ जाओगी जी तुम? कोई ना।